विशाख महामहत्तम अध्याय 7। हरे कृष्णा राधे राधे। विशाख मास महत्तम के अध्याय 6 में संक्षेप में विशाख मास में स्नान और तर्पण की विधि सुनी थी। आज इस अध्याय 7 में श्री माधव पूजन की विधि और महिमा सुनेंगे। शुरू करते हैं। नारद जी स्नान और तर्पण विधि बताकर कुछ रुके, फिर पुनः बोले, हे राजन, प्रतिदिन तीर्थ स्थान तिलो द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख में तिल, जल, स्वर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। तीन संध्याओं के समय एकाग्रचित हो विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। सामयिक फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं संक्षेप से माधव के पूजन की विधि बतला रहा हूँ। हे महाराज, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत है और अपार है, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री विष्णु का पूजन तीन प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि तीन वर्णों के लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्रों के लिए भी विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित हो ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए श्री विष्णु का विधिवत पूजन करें। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है, शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनी हुई, मनोरमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। हे राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि उसे जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करें। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभिष्ट है, अर्थात भागवत विग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति भाव रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पित करे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पे तो कहना ही क्या है। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वाकुशा के आसन बिछाकर उस पर बैठे। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पद, अर्ध, स्नान तथा अर्हन आदि उपचारों की व्यवस्था करें। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्ट दल कमल बनावे और उसके ऊपर श्री हरि के लिए आसन रखे। तदांतर चंदर, खस, कपूर और गजा यानी सुगंधित लेप या उपटन से सुस्वासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान कराए। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था ही करनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाक, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्ष आदि पुरुष सूक्त तथा साम वेदोक्त निराजना आदि मंत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करें। पुजारी सदा पूर्वक आचमनीय गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करें। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूरी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करें। पर्व के अवसरों पर अंगरगा लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थों का भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात ध्यान करें और कहें,
भगवान श्री विष्णु का शिव विग्रह श्यामवर्ण एवं तपाए हुए स्वर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख चक्र गदा और पद से सुशोभित चार भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञ पवित्र तथा उंगलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्ष स्थल में शिवस का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वे वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समाधि तथा विषय द्वारा अग्नि में हवन करें। तदांतर पुनः भगवान का पूजन करें, उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबुल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा आवचनीय स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसन्न होइए यूं कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें और इस प्रकार कहें, हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा करें। ये कहने के बाद भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आतर पूर्वक सर पर चढ़ाएं तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर लें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरी आत्मा में भी रम रहे हैं वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान हैं। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है वह सब ओर से अभिसिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता रहे इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवत विग्रह की स्थापना करने से सार्वभौम यानी सम्राट के पद को, मंदिर बनवाने से तीनों लोकों के राज्य को, पूजा आदि व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भागवत सयुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेघ यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग को तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्रीहरि की पूजन करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूली धूसरित हो रहा है। नेत्र भी वही है जो अत्यंत सुंदर और तप शक्ति से संपन्न है जिनके द्वारा श्रीहरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा में संलग्न रहती है तथा वही जिव्या मधुर भाषिनी है जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन किया करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्रीहरि का पूजन करना चाहिए तथा अनन्य वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करनी उचित है। राजन, ये सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है, विशेषता वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करो। सूत जी कहते हैं, हे महर्षिगण, इस प्रकार पत्नी सहित मंत्र वेता महाराज अम्बरीश को उपदेश दे, उनसे पूजित हो विदा लेकर देव ऋषि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। वैशाख मास महत्तम अध्याय 7 संपूर्णम। कल अध्याय 8 में आगे की कथा सुनेंगे। याद रखो, कलयुग केवल नाम अधारा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो। हम सिर्फ नाम जाप करके ही भगवान की भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम पा सकते हैं। प्रेम से, मन से, भाव से बोलते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।